हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए किचन के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूं। तो फ्रेंड, ये जो टिप्स है ये मेरे फेवरेट टिप्स है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। आई होप आप लोग को ये टिप्स अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को थोड़े भी टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला टिप है वो इस डिब्बे में बंद है। तो आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें क्या है, तो आप देखिए। तो जो मेरा फर्स्ट टिप ये है कि हम सभी घर पे अचार को बनाते हैं या फिर मार्केट से लेकर आते हैं, तो उसका बहुत सा मसाला बच जाता है। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि उसमें ओनियन को कट करके इस तरह से डाल देती हूँ। तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करनी है, कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। आप इसमें बारीक बारीक जिंजर को काट के डाल सकते हैं, ग्रीन चिल्ली को डाल सकते हैं। मैंने ग्रीन चिल्ली भी डाली थी, वो ख़त्म हो गई है इसमें से। तो आपका जो अचार है एक दिन में ही बन जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मसाला बचे उस हिसाब से आप इसमें ऑनियन को कट करके, ग्रीन चिल्ली को कट करके या फिर जिंजर को कट करके डालिएगा। आपका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये था मेरा फर्स्ट टिप, आई होप आप लोग को ये टिप अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, जो मेरा सेकंड टिप है वो आप देख सकते हैं, ये स्टैंड है, ये मेरा फेवरेट स्टैंड है। तो फ्रेंड, ये जो स्टैंड है ये है प्लेट के लिए स्टैंड। अगर आपकी किचन छोटी है या फिर कबर्ड नहीं है तो ये बहुत ही हेल्पफुल है और ये बहुत ही सस्ते में आ जाता है और इसको आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैंने $2 में बाय किया था, तो ₹100 में होता है। तो इसमें आप अपनी किसी भी तरह की छोटी बड़ी प्लेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये आपके किचन के काउंटर टॉप पर भी पड़ा बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आप देखिए, यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स इसमें ऐड की है और इसमें और भी आप प्लेट्स रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसी है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी शेयर किया था, फिर से शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप इस तरह की कोई चीज़ देख ढूंढ रहे हैं तो आपको इससे फ़ायदा हो सके। तो ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं अपने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड, जो मेरा अगला टिप है वो ये है कि हम हमेशा जब भी राशन लेकर आते हैं, दाल के पैकेट लेकर आते हैं, उसको डिब्बे में भर के रखते हैं, हमेशा हमारे दाल के पैकेट थोड़े से बच जाते हैं, बिस्किट बच जाते हैं या हमारा नमकीन बच जाता है। तो जो इस तरह के क्लिप्स होते हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं, आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल फ्रेश रहती है। ये भी मैंने टिप पहले बताया था, पर आज मैं अलग से कोई टिप बताना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा ये टिप भी आप लोग के साथ शेयर कर। तो फ्रेंड, ये क्लिप्स भी आपको बहुत ईजिली सुपरमार्केट से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, जो मेरा अगला टिप है कि अगर आपके इस तरह की आप दालें भरते हैं, थोड़ी सी दालें बच जाती है, तो आप इस तरह को ये डब्बा लगा लीजिए और उसमें जो है थोड़ी थोड़ी दालें जो बची हैं वो मैं हमेशा इस तरह दालें उसमें रख देती हूँ। तो इससे जो दाल है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, मिक्स दाल बन जाती है। अगर आप बाज़ार से मिक्स दाल का पैकेट लेने जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो इस तरह से आप घर पे ही मिक्स दाल बना लीजिए। मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। तो ये दाल खाने में एक तो हेल्दी होती है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड, जो मेरा अगला टिप ये है कि दालों में हमेशा कीड़े या कुछ ना कुछ लग जाता है, उससे बचने के लिए मैं हमेशा देखिए यहाँ इसमें जो बे लीव्स होते हैं 2 से 3 वो ऐड करती हूँ और साथ में 2 से 3 लौंग भी ऐड करती हूँ। तो अभी मैं लौंग को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रहा है, पर मैं इसमें बे लीव्स और साथ ही उसमें जो है 2 से 3 लौंग ऐड कर देती हूँ। इससे आपकी दालों में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो। तो फ्रेंड्स, जो अगला टिप है मेरा वो भी मेरा फेवरेट है। तो हम जब भी राइस लेकर आते हैं, इकट्ठे ही राइस लेकर आते हैं या 5 kg या फिर 10 kg, तो उसमें भी आप इस तरह से मैं हमेशा जो है बे लीव्स और साथ ही लौंग ऐड कर देती हूँ। तो कभी भी राइस ख़राब नहीं होते, मैं हमेशा 10 kg का पैकेट लेकर आती हूँ। तो इस तरह रखने से आज तक मेरे राइस में कभी भी कोई कीड़ा या फिर स्मेल नहीं आई और राइस हमेशा ठीक रहते हैं, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो। तो इसी तरह से आप आटे में भी रख सकते हैं, दालों में रख सकते हैं, आपकी दालें, आटा, राइस हमेशा ठीक रहेंगे। तो ये मेरा टिप फेवरेट था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। आई होप आप लोग को ये टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़े भी टिप्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड, जो मेरा अगला फेवरेट टिप ये है जिंजर को लेकर। तो फ्रेंड्स, मुझे जिंजर की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और जिंजर की चाय पीनी भी चाहिए क्योंकि जिंजर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी जिंजर लेकर आती हूँ, थोड़े से जिंजर को पील करके धो के
के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इस तरह से ये जो जिंजर है 5 से 6 महीने तक चल जाता है। इस तरह डिब्बी में भर के रख लेती हूँ और जब भी चाय बनानी है थोड़ा सा जिंजर इस तरह सा एक पीस निकाल लो और उसके बाद उसको ग्रेट करती हूँ, बाकी का जिंजर फिर से रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो चाय भी बहुत अच्छी बनती है और हमारा जिंजर भी बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है। तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है वो बचे हुए दाल और राइस को लेकर है। सबके घर में दाल राइस एक बार तो वीक में बनते ही होंगे, थोड़े से बच जाते हैं, तो सबको पता है जब दाल बच जाती है तो हम आटे में गूंद के उसके परांठे बना लेते हैं, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, वही आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, गेहूँ के आटे में 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, 1 कप यहाँ पर मैंने उसमें मक्की का आटा डाल देती हूँ, इससे रोटी का स्वाद इतना अच्छा बन जाता है और जो रोटी है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारी रोटी है। और इसके बाद इसमें मैं ऑनियन को कट करके डालती हूँ, कोरिएंडर को डालती हूँ और राइस को भी बीच में डाल देती हूँ, दाल को भी, और इसके बाद इसमें मैं सारे मसाले डालती हूँ। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा जो भी आपको अच्छे लगे, और इसमें अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन से हमारी रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और देखिए यहाँ पे मैंने हमेशा जो है ग्रीन चिल्ली को फ्रीज़ कर लेती हूँ, हमारी ग्रीन चिल्ली सालों साल ख़राब नहीं होती, तो इसको 4 मंथ्स हो गए हैं, देखिए हमारी जो ग्रीन चिल्ली है उसी तरह से है, और जो फ्रीज़ की हुई ग्रीन चिल्ली होती है उसको काटना भी बहुत इजी होता है, आराम से वो कट जाती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। अगर हम फ्रेश चिल्ली को स्टोर करके रखते हैं वो 2 वीक ही रहती है, इस तरह चिल्ली आपकी सालों साल चल जाती है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल को ऐड करती हूँ 2 से 3 टेबलस्पून, और इसके बाद इसका आटा गूंद के तैयार करती हूँ, तो ये आटे की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इस तरह से आप इस रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये रोटी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा ये आटे की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो इसके बाद इसको मैं एयरटाइट कंटेनर में भर के और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के रात में ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ, सुबह इसके परांठे बनाने में इजी हो जाता है और परांठे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके परांठे कैसे बने हैं। तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है वो मेरे बहुत काम आता है, आई होप आप लोगों के भी काम आए। तो जब भी हम फ्रूट को या वेजिटेबल्स को आधी चीज़ को कट करके आधी यूज़ करते हैं आधी रख देते हैं, तो उसको हम रखते हैं तो वो इस तरह की हो जाती है, आप देखिए ऊपर से बिल्कुल सूख जाती है। अगर हम उसको क्लिंग रैप में रखेंगे तो आप देखोगे 2 वीक तक आपकी सब्जी या फ्रूट वैसे का वैसा ही रहेगा, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, तो इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है, आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारी फ्रिज में बहुत से फ्रूट्स को हम रखते हैं और फ्रूट्स की जैसे कि मेलन हो गया आम हो गया तो बहुत सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए आप नींबू में इस तरह के लौंग लगा कर रख देंगे फ्रिज में तो आपकी फ्रिज में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तो इस टिप को भी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है, हम सभी जो हैं घर में अचार बनाते हैं, सबको पता है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के अचार सभी बनाते हैं, तो उसके लिए ये टिप है मेरा कि जब भी आप अचार बनाएं और जिस भी कंटेनर में आप डालें तो हमेशा वो कंटेनर कांच का ले और साथ ही साथ उस कंटेनर को चाहे वो नया हो या पुराना हो उसको पहले गर्म पानी में अच्छी तरह से धो के और उसको धूप में सुखाने के बाद ही उसमें अगर आप ऐड करोगे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है कि गर्मियों में हम लेमनेड बार बार पीते हैं और बहुत सा मैस पड़ जाता है, बार बार हमें बहुत सी चीज़ों को निकालना पड़ता है, तो उसके लिए ये मेरा फेवरेट टिप है। आप क्या करें, लेमन जूस को निकाल लीजिए जब भी लेमन लेकर आए, उसमें थोड़ा सा मिंट लीव्स को ऐड कीजिए और इसकी आइस क्यूब को बनाकर रख लीजिए, और इसके बाद जब भी आपका मन हो आइस क्यूब निकाले और इसमें कोई भी मसाले ऐड करे तो आपका बहुत अच्छा लेमनेड शिकंज भी बनकर तैयार हो जाएगी। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोग को भी ये टिप अच्छा लगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन से टिप अच्छे लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरे टिप्स फेवरेट है इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड जो अगला टिप है वो भी अचार को लेकर है, हम कोई भी घर पे अचार बनाएं चाहे वो नींबू का हो आम का हो किसी भी चीज़ का हो, तो उसको बनाने से पहले आप उसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर ले और उसके बाद उसको टॉवल पेपर से क्लीन कर ले और उसके बाद ही उसको कट करें, उसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको कट करके उसके बाद वॉश करेंगे तो हमारा अचार लंबे समय तक नहीं रहेगा, आपको उसको धूप में दिखानी पड़ेगी और वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आप पहले लाकर उसको अच्छी तरह से वॉश करके कट करेंगे तो आपका अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा।
तो फ्रेंड जो मेरा अगला टिप है वो मेरा सच में बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट टिप है, बहुत हेल्दी टिप है। वो ये है कि चने हम सब बनाते हैं वाइट कलर के चने, और हम उसमें कलर को ऐड करने के लिए हम उसमें चाय के पत्ती को डालते हैं। आगे से आप उसमें आंवला को सुखा कर रख लीजिए, और उसमें आप आंवले के 7 से 8 पीस या फिर 4 से 5 जिस तरह की से आपकी क्वांटिटी है चने की उस तरह से आप उसमें डालें। एक तो जो आंवला होता है वो हमारी स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। तो इसको डालने के बाद आप इसको उबालोगे तो आपके चने बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे और चने का कलर आपके सामने है, बहुत ही अच्छे चने बनते हैं। तो इस जो ट्रिक है उसको जरूर आप यूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।